नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एपेक्स बॉडी रेलवे बोर्ड की। हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था कि रीऑर्गेनाइज होने के बाद रेलवे बोर्ड कैसा है और बिहाइंड द सीन क्या है। तो ये पार्ट हमने देख लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कैसे काम कर रहा है, इसके कैडर को कंट्रोलिंग जो ऑफिसर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन और जो एडिशनल चार्जेस या यूँ कहें कि उनके कंट्रोल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO CRB श्री सुनीत शर्मा, जो SCRA द्वारा चुन के आए हुए ऑफिसर हैं 1978 के बैच के। मेंबर इंफ्रा या इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड श्री प्रदीप कुमार, जो कंट्रोल कर रहे हैं IRAC और IRSSE को। ठीक है, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक रेलवे बोर्ड श्री राजेश तिवारी जी, जो IRSME एंड IRSS को कंट्रोल करेंगे, कैडर कंट्रोल। मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस एंड डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड श्री PS मिश्रा जी हैं, जो IRTS को जो कैडर है उसको कंट्रोल करेंगे। और मेंबर फाइनेंस या फाइनेंशियल जो कमिश्नर हुआ करते थे, इनका अभी मेंबर फाइनेंस नाम जानते हैं रेलवे बोर्ड, ये नरेश सलीचा हैं, जो IRS 1984 बैच के हैं, जो 30 दिसंबर 2020 को बने हैं। तो इनके पास जो विभाग हैं या CRB, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं ग्रे करता हूँ इसको, ये तो ये CRB जी के पास जो ये हैं, इनके पास डायरेक्ट जो ऑफिसर होंगे, जैसे HR के लिए जो अभी ऑफिसर हैं IRPS के, तो वो डायरेक्ट इनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो डायरेक्टर जनरल होंगे और ये रिपोर्ट करेंगे। सेफ्टी के लिए फिर प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और सिक्योरिटी के लिए डायरेक्टर जनरल होते हैं, या हेल्थ के लिए प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, फिर प्लानिंग के लिए एडिशनल मेंबर होता है, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए और बिजनेस के लिए प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो इसी तरह जो भी ऑफिसर हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी इन मेंबर के पास नहीं होगा वो उस विभाग या उस चीज़ की को कंट्रोल करेंगे CRB सर। अभी आप देख रहे हैं मेंबर इंफ्रा जो श्री प्रदीप कुमार जी हैं, ये इंडियन रेलवे SE और ये SSE को संभालेंगे। ये एक्चुअली क्या है, इनके पास वर्क है, सिविल इंजीनियरिंग है, ब्रिज है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, लैंड एमिनिटीज है, स्टेशन डेवलपमेंट एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये याद करें जैसा है, क्योंकि सवाल इसी तरह आते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है, मेरे को किस मेंबर के पास रहेगा। इसी तरह मेंबर ट्रैक्शन के पास हम देख सकते हैं। ठीक है, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के पास जो है वो IRSME और IRSS, यानी IRSS जो है स्टोर सर्विस है, तो और ये मैकेनिकल, तो ये जो है ये बेसिकली जो भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उनके जो डायरेक्टली एडिशनल मेंबर होने चाहिए उनके, या जो भी प्रोडक्शन यूनिट के जो होते हैं एडिशनल मेंबर ही होते हैं, और मैकेनिकल वर्कशॉप के भी एडिशनल मेंबर होते हैं। ठीक है, या कोचेज, लोकोमोटिव, ये सब के, तो इन सब का जो देखने का है वही देखेंगे। जैसे कि ट्रैक्शन रोलिंग मेंबर के पास जो है प्रोडक्शन यूनिट है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, कोचेज, लोकोमोटिव, ट्रेन सेट्स, एनवायरनमेंट एंड हाउस कीपिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मटेरियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का तो वो संभाल ही रहे,
इसके अलावा उन्होंने मेटल मैनेजमेंट जो एक मेंबर का पोस्ट हुआ करता था उसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये अब आगे देखते हैं, मेंबर ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इनके पास ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोचिंग है, कैटरिंग, कमर्शियल जो भी काम है वो देखेंगे, नॉन फेयर रिवेन्यू जो है उनके पास रहेगा, और मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट एंड आईटी, तो ये सारे डिपार्टमेंट को मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट देखेंगे इन रेलवे बोर्ड, श्री पी एस मिश्रा सर। और IRTS है तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यातायात सर्विस, तो ये पी एस मिश्रा सर उनके कैडर को कंट्रोल करेंगे। मेंबर फाइनेंस है श्री नरेश सलेचा जी, तो इनके पास अकाउंट होगा, बजट होगा, रेवेन्यू होगा, एस्थेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स होगा, और इकोनॉमिक्स यूनिट का जो भी काम है वो इसको हैंडल करेंगे। अब हम आगे देख रहे हैं रेलवे बोर्ड क्वेश्चन आंसर जो 2021-2021 में बन रहे हैं, 21 में, मतलब आप आज के हिसाब से देखें 2021 में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ कुछ नहीं ज़्यादा हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि इसके पहले जो स्लाइड आप देख रहे थे उसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन होंगे, तो उस स्लाइड को आप माइंड में बैठाएं या फिर याद कर लें या फिर किसी से रिलेट करके आप उसको रखें, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप दे सकें। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 18 फरवरी 1905 वॉज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, तो ये सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 18 फरवरी 1905 को रेलवे बोर्ड को बनाया गया था। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड इन 1905, यानी कि 1905 में जो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे रेलवे बोर्ड के, तो एन जी प्रिस्टले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे फ्रॉम 1/11/1922 से लेके 11/10/1928 तक, श्री क्लेमेंट हेडली जो थे वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, बाद में जो है वो चीफ कमिश्नर की पोस्ट को हटा दी गई थी और सीआरबी बना दी गई थी। हु वाज द फर्स्ट सीआरबी इन रेलवे बोर्ड इन अप्रैल 1951, एफसी भदवार, तो ये पहले सीआरबी थे। ठीक है, सीआरबी का पोस्ट अभी भी है, और इसके साथ ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पावर जो होते हैं वो भी दे दिए गए, तो फर्स्ट बीके यादव सीईओ सर थे, सेकंड सुनील सर हैं, सुनील शर्मा सर, तो ये मायने में रखने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे बोर्ड एज पर DOPT लेटर नंबर सो एंड सो एंड 2nd September 2020, द वर्क ऑफ एस्थेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स विल बी लुक आफ्टर बाई, तो एस्थेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे कि हमने पहले बात की है, ये मेंबर फाइनेंस के पास है और वो उसको देखेंगे, जो इकोनॉमिक्स यूनिट है वो भी उनके पास ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर फाइनेंस कमिश्नर इज इंट्रोड्यूस्ड इन रेलवे बोर्ड एज ए रेलवे बोर्ड मेंबर, ठीक है, तो 1923 में फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे बोर्ड एज पर DOPT लेटर आफ्टर मतलब 2 सितंबर 2020 के बाद, मटेरियल मैनेजमेंट विल बी लुक आफ्टर बाई द मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो वो इसका कंट्रोलिंग ऑफिसर भी हैं मटेरियल मैनेजमेंट के और IRSS के, और ऐसे भी यही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे बोर्ड एज पर DOPT लेटर नंबर, स्टेशन डेवलपमेंट एंड रेलवे एक्विजिशन विल बी लुक आफ्टर बाय द मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इनके पास है, जो भी स्टेशन डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे हैं ये इनके कंट्रोल से ही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, आफ्टर रजिस्ट्रेशनिंग ऑफ रेलवे बोर्ड डेटा नंबर स्टेशन डेवलपमेंट एंड रेलवे, सॉरी ये तो हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आफ्टर द रजिस्ट्रेशनिंग ऑफ रेलवे बोर्ड एज पर DOPT लेटर नंबर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो है वो आंसर होगा ये होगा, ठीक है,
आफ्टर डिस्ट्रक्चरिंग द रेलवे बोर्ड एज पर डीओपी लेटर डेटेड 2 सितंबर 2020 द इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट विल बी लुक आफ्टर बाय मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रेलवे बोर्ड मेंबर डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे बोर्ड मेंबर डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियल एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, इट इज मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, रेलवे बोर्ड मेंबर और ए डायरेक्टर जनरल डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इज डायरेक्टर जनरल एचआर जो डायरेक्ट सीआरबी को रिपोर्ट करते हैं, इट्स बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे बोर्ड लेवल एज ऑन डेट इज नोन एज ए मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन जो है ये 24 जनवरी 2021 को आए हुए ईस्टर्न रेलवे के एओम के क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए 14 नंबर। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये एक अच्छा उदाहरण है, तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ऑन 16 अप्रैल 2019 टू मेंबर्स डैश एंड डैश वाज क्रिएटेड क्रिएट मेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रेलवे बोर्ड मेंबर्स एज ए 8th। ठीक है, ये दो पोस्ट क्रिएट किए गए थे और इसके साथ ही क्रिएट करने के बाद 1 CRB एंड 7 मेंबर्स हुए थे। ये कौन से पोस्ट थे, तो ये अभी एबोलिश कर दिए गए हैं, इनको हटा लिया गया है, इनको रीऑर्गेनाइज करने के बाद। ये मेंबर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन थे और मेंबर मटेरियल थे, इन दोनों को उड़ा दिया गया है, ये बोर्ड मेंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जो आपको जानना चाहिए, इससे अगर अधिक कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसके जो लिंक्स हैं जो ब्लॉग के, इसको ब्लॉग में भी पोस्ट कर दिया गया है, railwayexam.in के ब्लॉग जो है वहाँ पे उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन देखना आपके फ़ायदेमंद है। तो जब भी कोई वीडियो आती है तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, उसके अंदर जो लिंक्स हैं उसको आप ओपन करके देख सकते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए। हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं जो बोनस नॉलेज के रूप में देखेंगे। द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द रेलवे इंडियन रेलवे, तो जो एक्स ऑफिशियो ये होते हैं तो वो चेयरमैन ही होते हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हेड के रूप में काम करते हैं वो चेयरमैन करते हैं। FC भदवार वाज द फर्स्ट चेयरमैन रेलवे बोर्ड 1951 to 54, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से लेके 30 सितंबर 1954 तक 42 महीने के लिए उन्होंने कार्यभार संभाला था। चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO CRB कौन है, तो सुनीत शर्मा सर हैं। ठीक है, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड कौन है, श्री प्रदीप कुमार हैं, और मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक जो हैं रेलवे बोर्ड में वो राजेश तिवारी सर हैं। मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ये है PS मिश्रा सर हैं, और मेंबर फाइनेंस एंड रेलवे बोर्ड नरेश सलेचा हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको तो आप पूरी तरह से रट लें या फिर जो भी कह लें आप, माइंड में होने चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो डिमांड होती है नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूरेसी होती है और प्रैक्टिस होती है। तो एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किस पे करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पे करेंगे, नॉलेज पे करेंगे। तो ये पूरी तरह से जो मैं अभी ग्रे कर रहा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए बेस्ट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट हैं, तो आप इन्हें देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी की है तो मदद कर सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट मैं आपको करता हूँ, रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में है, शेयर करना आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।